इस निर्देश में हम आपको मैक्सी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर स्मार्ट कॉइन खरीदने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपके वॉलेट के फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। पहला चरण है मैक्सी एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन। maxi.com पर जाएं। स्क्रीन के दाईं ओर लॉगिन रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में अपना ईमेल या अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें। उसके बाद अगला पर क्लिक करें। कृपया वेरीफाई करें कि आप रोबोट नहीं हैं। वेरिफिकेशन पास करने के बाद एक विंडो खुलेगी जहां आपको पासवर्ड बनाना होगा। इसे दर्ज करें और चेक मार्क पर क्लिक करके शर्तों से सहमत हों। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। निर्दिष्ट ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। इसे अगली विंडो में दर्ज करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें। सब तैयार है, आपने एक्सचेंज पर रजिस्टर कर लिया है। चरण दो, गूगल ऑथेंटिकेटर सेट करना। शुरू करने से पहले आपको गूगल ऑथेंटिकेटर सेटअप करना होगा। यह एक्सचेंज के साथ आपके काम को सुरक्षित करेगा। प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं, सुरक्षा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का चयन करें। कॉन्फिगर करें बटन पर क्लिक करें। गूगल ऑथेंटिकेटर को लिंक करने के निर्देशों के साथ एक विंडो खुलेगी। अपने स्मार्टफोन पर गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करें, फिर अगला पर क्लिक करें। एक QR कोड खुलेगा जिसे आपको इंस्टॉल किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके स्कैन करना होगा। ऐसा करने के लिए एप्लीकेशन पर जाएं। पहली स्क्रीन पर गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। फिर खुलने वाली विंडो में स्कैन ए QR कोड चुनें। एक्टिवेशन पेज पर QR कोड को स्कैन करें। आप देखेंगे कि आपके एप्लीकेशन में MXC एक्सचेंज के लिए एक कोड आया है। उसके बाद अगला पर क्लिक करें। एक कोड के साथ एक SMS संदेश आपके मोबाइल फोन या ईमेल पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो भरा था उसके आधार पर इसे प्राप्त करने के लिए कोड प्राप्त करें पर क्लिक करें। पहले फील्ड में प्राप्त कोड दर्ज करें और दूसरे में गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से वर्तमान कोड डालें और अगला पर क्लिक करें। सब तैयार है, गूगल ऑथेंटिकेटर सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया है। चरण तीन, अपने एक्सचेंज बैलेंस को लॉड करें। USDT को एक्सचेंज बैलेंस में भेजने के लिए वॉलेट डिपॉजिट पर जाएं। क्रिप्टोकरेंसी की सूची में USDT का चयन करें और जांचें कि सही नेटवर्क चुना गया है। एक्सचेंज द्वारा आपके लिए डिपॉजिट एड्रेस जनरेट करने के लिए डिपॉजिट एड्रेस फील्ड पर क्लिक करें। प्राप्त एड्रेस पर USDT भेजें। कृपया ध्यान दें कि न्यूनतम डिपॉजिट राशि 0.01 USDT है। चरण चार, स्मार्ट खरीदें। मुख्य पृष्ठ पर स्पॉट चुनें। खुलने वाली विंडो में सर्च सेक्शन में उस क्रिप्टोकरेंसी का नाम दर्ज करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। आइए स्मार्ट को सर्च करें। हम देखते हैं कि स्मार्ट USDT जोड़ी उपलब्ध है। आप स्मार्ट को बाजार यानी वर्तमान मूल्य पर खरीद सकते हैं या वांछित मूल्य पर एक लिमिट ऑर्डर निर्धारित कर सकते हैं। मौजूदा कीमत पर स्मार्ट खरीदने के लिए मार्केट चुनें। लिमिट कीमत पर खरीदने के लिए लिमिट चुनें। आप एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं जो आपको अपने व्यापार को निष्पादित करने की लागत को नियंत्रित करने के लिए एक ही समय में स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस सेट करने की अनुमति देता है। वांछित ऑर्डर प्रकार का चयन करें। वह कीमत चुनें जिस पर आप स्मार्ट खरीदना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर के मामले में स्मार्ट की मात्रा चुनें जिसे आप खरीदना चाहते हैं और स्मार्ट खरीदें बटन पर क्लिक करें। सब तैयार है, आपने मैक्सी एक्सचेंज पर स्मार्ट खरीद लिया। अब इन्हें स्मार्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। चरण पांच, स्मार्ट को स्मार्ट वॉलेट में निकालना। एक्सचेंज से कॉइन भेजने के लिए आपको अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना होगा। ऐसा करने के लिए स्मार्ट वॉलेट ऐप खोलें और अपने स्मार्ट कार्ड पर टैप करें। आपको अपना वॉलेट एड्रेस दिखाई देगा जिसे आप कॉपी आइकन पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। मैक्सी पर वापस जाएं, वॉलेट पर जाएं और निकासी चुनें। सर्च बार में स्मार्ट नाम दर्ज करें, कॉपी किया गया वॉलेट एड्रेस और स्मार्ट की मात्रा दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं और भेजें बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको ईमेल या मोबाइल फोन पर भेजा गया कोड साथ ही गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन का कोड दर्ज करना होगा। कोड दर्ज करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। अब आपको यह वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा कि यह ऑपरेशन आपने ही किया है। अपना ईमेल चेक करें और अपनी निकासी की पुष्टि करें।
ऐसा करने के लिए आपको निकासी एड्रेस के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप 15 मिनट के भीतर निकासी की पुष्टि नहीं करते हैं तो ट्रांजैक्शन स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। एक बार ट्रांजैक्शन संसाधित हो जाने पर आपको अपने वॉलेट में कॉइन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमने एक्सचेंज पर रजिस्टर करने से लेकर स्मार्ट कॉइन खरीदने और निकालने तक के सारे चरण देखे। हमें उम्मीद है कि इस निर्देश का अध्ययन करने के बाद आपके मन में प्रक्रिया के बारे में कोई प्रश्न नहीं होगा, और यदि आपके पास अभी भी प्रश्न हैं, तो आप उन्हें हमेशा हमारी सहायता सेवा को भेज सकते हैं।